एमसी स्टैन आ गए या फिर इंसान आ गया? कौन, जबकि वो खुद भी इंसान है? जानवर ने समझा पेन। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है फाइनली एमसी स्टैन के इंसान एल्बम के फर्स्ट ट्रैक पे, जो कि है इंसान। और एमसी स्टैन के ये एल्बम का वेट बहुत लोगों ने किया है और मैं भी बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी। स्पेशली मैं घर आई हूँ सुबह सुबह कि आज आएगा एमसी स्टैन का ट्रैक तो मैं सुनूंगी। बट हुआ ये कि एमसी स्टैन ने पहले ही ऑडियो डाल दिया था मॉर्निंग में ही, और मुझे किसी ने बताया नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मुझे किसी ने बताया कि ऑडियो अपलोड कर दिया एमसी स्टैन ने और मुझसे यू नो वेट नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि मैं सुन लेती हूँ। बेशक अभी धीरे धीरे सुनूं, लेकिन सुनूंगी ज़रूर। तो अभी मैं फर्स्ट ट्रैक पे रिएक्शन करने वाली हूँ। आई डोंट नो मैं बाकी कब करूँगी, एक दिन में तो डेफिनेटली मैं नहीं करूँगी, वेट करके करूँगी। लेकिन अभी पहले ये सुनते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी और मुझे सुनना है बस। सो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो साइड में दिख रही होगी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो जाके फॉलो करो। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग चैनल को भी चेकआउट कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके सो स्टार्ट। सबसे पहली बात पोस्टर, तेरा नहीं मालूम लेकिन मैं इंसान, कुछ लोग तो भूल गए अपन शैतान है इंसान। सब इंसान खुश थे उस वक्त पे जब नहीं था पैसा, मैं भी एक इंसान है वो भी सेम तेरे जैसा। किसको नहीं मालूम इंसान कैसे आए इस धरती पे, तू आए दुनिया में पर जाएगा किसकी मर्जी से। खुदा ने भी सो जाऊंगा किसको बनाए गलती से, पहले के लोग क्यों दूर रहने के लड़की से। पहली बार जब सुना मैंने मेरे पास नहीं पैसे थे ब्रो वो टाइम पे, बजरेला में कुछ तू डीप तू फकिंग जान दे, कितने लोग का घर चल रहे ना मेरे नाम पे। मैं आएंगे पैर तेरे साथ में, नहीं आएंगी तेरी दोस्ती, मेरे को दो गज जमीन चाहिए दफन होने के लिए ब्रो। तू बोलता झूठ लेकिन मैं नहीं बोलता, मैं करता सजा तू करता गुना। इंसान को कुछ दिख रहा नहीं सिर्फ दिख रहे पैसे, ये पैसों के वजह से हो गए हम लोग कैसे। एक इंसान एक इंसान को मारता और सब लोग देख रहे, ऊपर वाले ने जबान दिया इसलिए कुछ ही बज रहे। इंसान को सिर्फ पैसे चाहिए और शायद से फेम, मैं समझा रहा था इंसान को पर जानवर ने समझा पेन। खुदा से बड़ा बनना चाहता है ब्रो क्यों तू, मैं कैसे करता ब्रो जैसे मैं ठीक हूँ। तुम पूरी जिंदगी बड़ो नहीं यहाँ पे कौन है रियल, तू भी एक इंसान में भी एक इंसान इसलिए होता फेल। हम सब एक एनर्जी है जिसको बोलते रूह और दिल, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के साथ में करता डील। रोता नहीं मैं रोता, दिल नहीं हो रहा मेरे को कुछ भी फील, दिल नहीं कर रहा मैं खा के पिल। ये तू का मत तू किसका दिल में गॉड को लेके आता, फिर मैं मेरे को मिल या मौत को मिल। मैं लिख रहा कुछ तो डीप इसलिए तुम मेरे फैन है, मैं नहीं कर रहा कुछ ये सब गॉड प्लान है। मैं भरोसा करने का क्योंकि तू भी एक इंसान है, मैं बेचना सोल चाहता खुद को मैं टेन तो सियान है। इंसान को कुछ दिख रहा नहीं सिर्फ दिख रहे पैसे, ये पैसों के वजह से हो गए हम लोग कैसे। एक इंसान को मारता और सब लोग देख रहे, ऊपर वाले ने जबान दिया इसलिए कुछ ही बज रहे। इंसान को सिर्फ पैसे चाहिए और शायद से फेम, मैं समझा रहा था इंसान को पर जानवर ने समझा पेन। ऐसे बड़ा बनना चाहता है ब्रो क्यों तू, मैं कैसे करता जैसे मैं अभी ठीक हूँ। ओके सो ये ट्रैक, वाओ,
मैं ये कहना चाहूंगी कि इस एल्बम का जो नाम रखा है इंसान, और जो इसका फर्स्ट ट्रैक है इंसान, और जितने भी इन्होंने ट्रैक लिस्ट दिखाए थे, यू नो एमसी स्टैन ने डाला था 12 ट्रैक है आई थिंक सो उसमें, और उनके नाम अगर आप देखो तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपको फील डेफिनेटली होंगे, प्लस रिलेट भी करेंगे और रियलिटी पर बेस्ड भी होंगे, क्योंकि एमसी स्टैन बहुत बारी अपने ट्रैक में यू नो रियल चीज़ें कहते हैं, जो उन्होंने फेस किया हो या जो उनकी लाइफ में चीज़ें हुई हो वो सब चीज़ें बताते हैं, और वो सब चीज़ें फील भी होती है, रिलेट भी होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये एल्बम के पूरे ट्रैक बहुत अच्छे होंगे। प्लस इस वाले ट्रैक की बात करते हैं, इसका जो इसमें जो लाइंस एमसी स्टैन ने लिखी है ना, वो बहुत ही, वो हद से ज़्यादा डीप है, बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग्स है हर एक लाइन में अगर आप फील करो तो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ इन्होंने बताई है और ऐसा नाम रखा है जो यू नो हर कोई रिलेट करेगा यार, हर कोई फील करेगा इसको, कि इंसान ही इंसान को मारता है और सब देखते हैं। सही चीज़ इन्होंने बोली है कि लाइफ में यू नो कुछ नहीं होता, लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इंसानियत नहीं बची है किसी के अंदर। जब मैं, मेरे पास नहीं थे पैसे तो सामने वाला हंसता था मुझ पे, जबकि वो खुद भी इंसान है, उसकी लाइफ में भी तो अप्स एंड डाउन आए होंगे, वो भी तो कभी अपसेट हुआ होगा, लेकिन वो दूसरे बंदे को देख के खुश हो रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है। ये चीज सोचो, मतलब ये सच्ची सच्ची चीजें हैं। हमारी लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपके परेशानी में अपसेट हो, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी परेशानी में खुश होते हैं, दिखाते कुछ है लेकिन अंदर से पता चलता है कि कौन खुश है और कौन दुखी है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सब इक्वल हैं, भगवान ने सबको इक्वल भेजा है, लेकिन बड़ा वो इंसान बन जाता है जिसको आप बनाते हो, जिसकी जिसके लिए आप सोचते हो। ये हमारे माइंड की चीज़ें हैं, हम किसी को बड़ा मानते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा हो जाता है, किसी को छोटा मानते हैं तो वो हम उसको यू नो छोटा समझते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हमारी थिंकिंग है और हम लोग ही करते जा रहे हैं। एमसी स्टैन ने भी बोला कि इंसान बस पैसों के पीछे भाग रहा है, इंसानियत हर कोई मतलब हर मोस्टली लोग भूल चुके हैं। ये सच्ची बात है यार, एमसी स्टैन की वो वाली लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं ढूंढ रहा इंसान लेकिन जानवर ने समझा पेन, वो लाइन सीरियसली सच्ची है। और यू नो यार क्या बोलूँ मैं, मतलब ये ट्रैक इतना ज़्यादा अच्छा है ना, इतना ज़्यादा डीप मीनिंग वाला, और हर एक लाइन में इतने डीप लिरिक्स, कैसे फील नहीं होगा ये सबको। आई एम श्योर ये ट्रैक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फील किया होगा, अभी मैं भी बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ, और एकदम सेंटीसा कर दिया इस ट्रैक ने, और एमसी स्टैन की वॉइस भी मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। और एमसी स्टैन ने वो जो स्टार्टिंग में और एंड में बोला ना कि देखो वो आ गया, तो ये क्या था, मतलब आई थिंक उन्होंने इसलिए ये लाइन ये चीज़ डाली है कि एमसी स्टैन आ गए या फिर इंसान आ गया, कौन, खैर जो भी है अच्छा लग रहा था। और इन्होंने ये वाली लाइन जो बोली कि मैं कुछ तो लिख रहा डीप, तभी तो मेरे फैन हो, खुदा ने दिया है सब कुछ और तुम आए हो और जाओगे उन्हीं की मर्जी से। यार लिटरली मैं एक एक लाइन के बारे में बात करूं तो यार सच्ची बहुत ही ज़्यादा फील करने वाली थी। और ये ट्रैक ऐसा था जिसमें आपको लिरिक्स की ज़रूरत नहीं, अगर लिरिक्स आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा, फील करोगे बहुत ज़्यादा, रिलेट करोगे। या ये बहुत अच्छा ट्रैक है और मैं एक्साइटेड हो रही हूँ अभी बाकी सारे ट्रैक भी सुनने के लिए, और अगर बाकी सारे ट्रैक भी ऐसे यू नो फील करा दे तो और अच्छी बात होगी।
खैर देखते हैं बाकी कि आप लोग प्लीज बताना कि मैं बाकी के 11 ट्रैक कब सुनूं और कब रिएक्शन डालूं। अगर आप चाहते हो मैं डालूं जल्दी से जल्दी तो मैं जल्दी से जल्दी डाल दूंगी, वैसे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सो या मुझे ये ट्रैक बहुत ज़्यादा फील हुआ और यही था मेरा रिएक्शन इस ट्रैक पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।